नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए क्लास 11 का जो चैप्टर है, इसमें मैंने आपको भोजन, स्वास्थ्य, पोषण और स्वस्थता से संबंधित टॉपिक पर चर्चा इसके पहले किया था। इसमें मैंने भोजन बताया था, पोषण बताया था, स्वास्थ्य क्या है, ये सब चीजों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज उसी से संबंधित ये टॉपिक आपका है, जिसमें हमने बताएंगे किशोरावस्था में आहार संबंधी क्या पैटर्न है, क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कौन से कारक प्रभावित करते हैं, क्या क्या चीजें जो है किशोरावस्था में फेस करते हैं बच्चे, इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। और इसके पहले इसमें आपका दिया गया है कि फूड ग्रुप्स कितने होते हैं, तो फूड ग्रुप्स को मैं पहले से बना चुकी हूँ। अब हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आहार एवं पोषण में देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपके ही प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, वहां से जो है आप देख सकते हैं कि फूड ग्रुप्स कितने होते हैं और उसमें से हमें प्रत्येक ग्रुप से हमें भोजन डेली लेना चाहिए, उसी फूड ग्रुप में इस पे बताया गया है। अब इसमें हम आपसे चर्चा करेंगे किशोरा अवस्था में जो भोजन संबंधी पैटर्न होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये आपका न्यू ऐड किया गया है, नया ऐड किया गया है क्लास 11th के सिलेबस में। इसके साथ साथ जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ टर्म यहाँ पर ऐसे दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को आप लोगों को भी देखना मस्ट है। और इसके साथ साथ जो बीए हो, बीएससी हो, एमए, एमएससी हो, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। देखिए किशोरावस्था की जो अवस्था होती है ये जो है 13 to 18 या 21 तक माना जाता है, क्योंकि लड़कियों का जो है 13 से लेकर के 18 साल की उम्र लड़कियों का किशोरावस्था होती है और लड़कों का 13 से लेकर के 21 वर्ष की जो अवस्था होती है ये किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। इस अवस्था में शरीर में शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं और इस शारीरिक ग्रोथ इस अवस्था में, जैसे शैशवावस्था में ग्रोथ बहुत तीव्र गति से होती है, उसी तरीके से किशोरावस्था में भी लड़कों और लड़कियों के शरीर में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। तो शारीरिक ग्रोथ के लिए हमें पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, और कौन से पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, कौन सी मात्रा ज़्यादा ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होती है, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक आता है पोषक तत्वों की मांग। मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में बता दी हूँ कि पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व हमारे भोजन में जो हम भोजन करते हैं उसी में हमारे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा, जल और कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। यही पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत, रोगों से रक्षा करने का काम, शरीर का संतुलन रखने का काम और सोचने विचारने का काम करने का काम करते हैं, ये हमारे पोषक तत्व। जैसे हमें गाड़ी को चलाने के लिए डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है और भोजन के रूप में पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे हम किशोरावस्था की बातें कर रहे हैं। किशोरावस्था में कौन से पोषक तत्व की मांग, लगभग जितने पोषक तत्व हैं सारे की सारी चीजों की मांग बढ़ जाती है। सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं प्रोटीन। देखिए प्रोटीन क्या है, इसको हम निर्माणक तत्व कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करने का काम का है, बॉडी बिल्डिंग जिसको हम तत्व को कहते हैं, कि ये प्रोटीन जो होता है हमें ग्रोथ करने का काम करते हैं, बच्चे की वृद्धि विकास करने का काम करते हैं। तो इस अवस्था में भी जैसे शैशवावस्था में मांग बढ़ जाती है प्रोटीन की, उसी तरह इसमें यानी कि किशोरावस्था में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस समय ग्रोथ की अवस्था होती है, वृद्धि की अवस्था होती है। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन। देखिए विटामिन हमारे रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं, तो विटामिन हमारे फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। विटामिन में हमारा विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी की ज़्यादा आवश्यकता इस अवस्था में पड़ती है, क्योंकि इस समय विटामिन सी हमारे कैल्शियम को बचाने का काम करते हैं और इसके साथ साथ विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए आवश्यक होती हैं, तो इस समय इनकी आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, ठीक है। और इसके अंदर लगभग जितने विटामिन चाहे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी आवश्यकता इसमें होती है, तो कहने का मतलब से विटामिन की मांग यहाँ पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम आता है
खनिज लवण। खनिज लवण में ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, और इसके साथ साथ आपके आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब चीजों की मांग बढ़ जाती है। इन सब चीजें क्योंकि हमारे ये हड्डियों के ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, इस वजह से और हमारे मस्तिष्क को में जो हमारी थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है, उससे जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ये वृद्धि के हार्मोन होते हैं, सॉरी ये जो होते हैं ये व्यक्ति के कह सकते हैं ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का काम करता है आयोडीन, तो इसकी भी जरूरत पड़ती है खनिज लवण की भी। कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा देने का काम करते हैं, और इस किशोरावस्था में अधिक ऊर्जा की मांग होती है क्योंकि इसमें बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, मानसिक श्रम करते हैं, तो इस समय कार्बोहाइड्रेट की भी मांग बढ़ जाती है क्योंकि इस समय हमें ऊर्जा देने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट, और इससे ऊर्जा अधिक मांग किशोरावस्था में हो जाती है। नेक्स्ट में हम आते हैं वसा। वसा क्या करती है? वसा हमारे कह सकते हैं ये हमारे रोगों से ये हमारे कोमल अंगों की रक्षा करने का काम करते हैं, इसके साथ साथ हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं, इसके साथ साथ ये ऊर्जा देने का भी काम करते हैं, तो ये हमारे वसा की मांग इसमें बढ़ जाती है क्योंकि हमारी बॉडी जो है ग्रोथ होती रहती है किशोरावस्था में, और हमारी मांसपेशियों को सुरक्षित रखने के लिए, मांसपेशियां और अधिक मजबूत बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वसा की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हमारी मांसपेशियों में वसा का जमाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जल। जल जो है हमारे अम्ल और क्षार की मात्रा का संतुलन रखने का काम करते हैं, और इसके साथ साथ शरीर में कोई पोषक तत्वों की कमी हो या अधिकता हो उसको बैलेंस रखने का काम भी कौन करता है? हमारा जल। तो ये सब चीजों की मांग हमारे किशोरावस्था में बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं खान पान संबंधी विकृतियां, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखिए इस अवस्था में स्नैकिंग का मतलब होता है कि बच्चा जो है किशोरावस्था जो किशोर किशोरियां होती हैं इसमें स्व अल्पाहार लेने लगती हैं, कि यानी अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, अधिक ना मोटे हो ना पतले हो, इस वजह से कुछ स्व अल्पाहार लेते हैं, थोड़ा सा भोजन ले लेते हैं, और वो भोजन ऐसा नहीं होता जो पोषक तत्व के रूप में हो, बल्कि वो स्वाद लेने के लिए अपने जीभ को कह सकते हैं स्वाद लेने के लिए जीभ से, तो इसके लिए क्या करते हैं स्व अल्पाहार लेते हैं, कुछ फास्ट फूड का प्रयोग करते हैं, ये होता है स्नैकिंग, जो हमें यानी किशोर किशोरियों को नहीं करना चाहिए क्योंकि इस समय आपकी ग्रोथ अधिक तीव्र मात्रा में होती रहती है शारीरिक और मानसिक, जहां पर इन पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है, और ये आप जब आप पूर्ण पोषक तत्व लेंगे यानी दाल चावल रोटी सब्जी सलाद इन सब चीजों का सेवन भरपूर मात्रा में करेंगे तभी आपका ग्रोथ अपने उम्र के अनुसार होगा। नेक्स्ट हमारा आता है फास्ट फूड। देखिए इस समय फास्ट फूड लोग सेवन अधिक करते हैं किशोर किशोरियां, क्योंकि ज्यादातर उनका समय घर से बाहर बीतता है और इसके साथ साथ दोस्तों के बीच में बीतता है, जहां पर वो फास्ट फूड लेने के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं और उनका टेस्ट भी अच्छा लगता है, और इसके साथ साथ ये उनकी एक आदत बन जाती है, घर का खाना नहीं पसंद करते हैं बल्कि बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं, तो ये विकृतियां उत्पन्न होती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट आता है डाइटिंग। डाइटिंग का मतलब है हमें अपनी उम्र आयु अपनी क्षमता के अनुसार कम भोजन लेना ही डाइटिंग होता है। डाइटिंग में हम अपने पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा में नहीं लेते हैं, पूर्ण आहार नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बुलिमिया। बुलिमिया क्या होता है कि इसमें जो वयस्क होते हैं यानी जो किशोरावस्था का लास्ट एंडिंग पॉइंट होता है उसके बाद क्या शुरू होता है, प्रौढ़ावस्था शुरू होती है, वयस्क अवस्था शुरू होती है, इस उम्र में भी जो औरत होती हैं और वो क्या करती हैं, वो मोस्टली रूप से कम भोजन ग्रहण करती हैं या इस तरह से डाइटिंग करती हैं, क्या खाएं क्या कम खाएं क्या ज़्यादा खाएं, जिससे हमारी बॉडी फिट हो, अच्छे हो, स्लिम ट्रिम हो, इस तरीके से उनके अंदर भावनाएं जाती हैं जिससे वो एक भोजन विकृति से ग्रसित हो जाती हैं, यानी भोजन विकार संबंधी एक रोग से ग्रसित हो जाती हैं जिसका नाम है बुलिमिया। ये वयस्क लोगों में यानी वयस्क स्त्रियों में पाया जाता है, यानी ये पुरुषों में भी देखा जाता है लेकिन महिलाओं में इसकी मात्रा अधिक होती है, इसे क्या कहते हैं, बुलिमिया कहते हैं। डाइटिंग क्या है, आवश्यकता से कम भोजन लेना, फास्ट फूड का सेवन करना, स्नैकिंग का मतलब कम आहार लेना। अब आपका आता है एनोरेक्सिया।
एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, इसमें जो हमारे किशोर किशोरिया होते हैं क्या होते हैं, अपने शरीर को स्लिम ट्रिम पतली एक हीरो हीरोइन की तरह या प्लेयर की तरह या सिंगर की तरह इस तरीके से अपने बॉडी को मेंटेन रखना चाहते हैं, जिससे वो भी उन्हीं की तरह दिखाई दे जो कि वो अपना स्वस्थ रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं, एक लड़की जो पूरी तरीके से स्वस्थ है, अपना भोजन ले रही है, लेकिन वो उसको ये लगता है कि हम बहुत मोटे हैं, सही नहीं है, तो इसके लिए वो भोजन कम लेना शुरू कर देती है, जो उसके स्वास्थ्य को खराब कर देती है, क्योंकि उसका डाइट सही था, वो सही बैलेंस थी, सही उम्र के अनुसार सही उसकी वजन था, लेकिन उसने दूसरों का देख करके और अपने आप को डाइटिंग करना शुरू कर देती है, कम भोजन लेना शुरू कर देती है, व्रत रखना शुरू कर देती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को नहीं खाती है, कहने का मतलब दिन में एक बार खाती है या कम खाना खाती है, यानी अपनी योग्यता के अनुसार क्षमता के अनुसार कम खाती है, तो उस समय ये एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाती हैं, लास्ट में शरीर की स्थिति खराब हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो किशोर किशोरियों में पाया जाता है, बुलिमिया वयस्क अवस्था में पाया जाता है। तो यह है खान पान संबंधी विकृतियां। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फास्ट फूड की पोषण संबंधी क्या परिसीमाएं हैं। तो देखिए, हम ज्यादातर जो हमारा समाज है इस समय फास्ट फूड की तरफ पूरी तरीके से डिपेंड होता जा रहा है, हम इसको खाना अच्छा पसंद करते हैं, इससे हमें क्या लगता है कि हमारा लेवल बहुत अच्छा है, हमारा स्तर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं फास्ट फूड खाती हूँ, बाहर का खाना खाते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारे समाज में एक विकृतियां हैं वो उत्पन्न हो रही हैं, बहुत फास्टली चल रही हैं, तो ये जो है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो इसमें देखते हैं कि जो हम फास्ट फूड लेते हैं इसमें कौन कौन से तत्व तो कम होते हैं, कौन कौन से अधिक होते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर पहला माना आता है कैल्शियम, राइबोफ्लोबिन और विटामिन ए। ये हमारे जो हम फास्ट फूड लेते हैं उस फास्ट फूड में ये पोषक तत्व तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यदि दूध से संबंधित प्रोडक्ट लेते हैं, मिल्क शेक संबंधित मिल्क शेक लेते हैं, तो इन इनको छोड़ करके किसी में नहीं पाया जाता है, लेकिन दूध और मिल्क शेक में राइबोफ्लोबिन और विटामिन डी की मात्रा पाई जाएगी, लेकिन अन्य जो फास्ट फूड है उसमें आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं फोलिक एसिड। देखिए, जो फास्ट फूड होता है उसमें जो जिससे हमारा आयरन यानी खून का निर्माण होता है फोलिक एसिड से, वो हमारे फास्ट फूड में नहीं पाए जाते हैं, सोचिए जिससे हमारे खून का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा आता है फाइबर। फाइबर हमारे आंतों को साफ रखने का काम करते हैं, ये फाइबर भी हम जो फास्ट फूड लेते हैं वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, सोचिए जो इम्पोर्टेंट रोल हमारे शरीर में अदा करता है। नेक्स्ट हमारा सोडियम, सोडियम जिसमें सोडियम यानी नमक, ये नमक आपके जो फास्ट फूड खाते हैं इसमें आपके आवश्यकता से ज़्यादा पाए जाते हैं, जो एक मोटापा का कारण, हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन जाता है लगातार फास्ट फूड का सेवन करने से। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऊर्जा, ये भी ऊर्जा जितना आपको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड में आपको मिलेगा, क्योंकि ये एनर्जी देने का काम करते हैं, लेकिन हमें जितना आवश्यकता नहीं उससे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, और जो एनर्जी का प्रोडक्ट होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट को हमें कम से कम या ना के बराबर सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य का स्तर सही रहे। अब यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे हम लाते हैं एनीमिया। आजकल जो हमारे किशोर किशोरी हैं, इसके साथ साथ जो हमारे बाल्यावस्था के बच्चे बच्चियाँ हैं, ये सब भी एनीमिया रोग से ग्रस्त होते जा रहे हैं, इनके अंदर खून की कमी होती जा रही है, क्योंकि हम लोग घर के खाने को कम पसंद करते हैं और बाहर के खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण से ये एनीमिया उत्पन्न हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है इस समय। इसीलिए सरकार के द्वारा लड़के और लड़कियों किशोर किशोरियों को बाल्यावस्था में भी प्राइमरी में भी देखिए उनको जो है आयरन की गोली दी जाती है, जिसके इनके अंदर खून की कमी ना होने पाए और इनका शारीरिक और मानसिक विकास हो। तो ये एनीमिया एक ये फास्ट फूड जो हमारे समाज में लोग इसका सेवन कर रहे हैं सबसे बड़ा कारण है एनीमिया का। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, खान पान संबंधी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे हम फास्ट फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, घर के खाने की तरफ हम दूर होते जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चॉकलेट, हमें भूख लगती है तो हम चॉकलेट खाना पसंद करते हैं,
कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में आवश्यकता से ज्यादा एनर्जी होती है, आवश्यकता से ज्यादा अन्य तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। मैगी खाते हैं जिसमें आपका अजीनोमोटो होता है, जो हमारे जिसमें लेड का कुछ तत्व पाया जाता है जो कैंसर या अन्य चीजों को बढ़ावा देने का काम करता है। चाउमीन है, फास्ट फूड का सेवन करने से, मैंने ये सब क्या होते हैं, ये हमारे खान पान संबंधी आदतों को प्रभावित कर रहे हैं। इन सब चीजों पर हम ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे है, रेडी टू ईट, हम उसी खाने को पसंद करते हैं जो पैक्ड फूड होता है, बस पैक खोला और तुरंत खाना शुरू कर दिया। जैसे आपने देखा स्नैकर्स होते हैं, हम लोग क्या है जोमेटो से या अन्य चीजों से हम ऑनलाइन डिलीवरी करके बस भोज पदार्थों को मंगा लेते हैं। ये भोज पदार्थ जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इनमें हमारे पोषक तत्व बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसमें केवल ऊर्जा और जो हमारे खनिज लवण यानी आयोडीन, सॉरी इसमें जो नमक होता है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है, फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जो हमारे समस्या स्वास्थ्य संबंधी समस्या को आए दिन बढ़ा रहे हैं। तो ये सब कारक होते हैं जो हमारी खान पान संबंधी आचरण आदतों को प्रभावित कर रहे हैं। नेक्स्ट में हमें क्या है, आहार संबंधी व्यवहार में परिवर्तन लाना। देखिए जो किशोरावस्था होती है एक कह सकते हैं बहुत ही अलग अवस्था होती है, जिसमें बच्चे को बहुत ही केयर करने की जरूरत पड़ती है, उनके शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, हर तरीके से इन पर ध्यान देने की जरूरत होती है। इसमें क्या है, इस अवस्था में बच्चे अपने आप को दिखावा करने का काम करते हैं, अपने स्तर को दिखाते हैं कि मेरा लेवल ये है, मैं ऐसे हूँ, मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा स्तर ये है, मेरे पापा ये है, मेरी मम्मी है, इस तरीके से भावनाएं उनके अंदर आती हैं जो नहीं होना चाहिए। और खान पान में भी दिखाते हैं कि देखिए मैं एक अलग खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये आहार संबंधी व्यवहार में परिवर्तन लाती हैं। और ये आहार संबंधी व्यवहार में हम अलग अलग चीजों को फास्ट फूड की तरफ अग्रसर होते जाते हैं, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि इसमें कैसे हम परिवर्तन लाएंगे। टीवी देखने के समय को सीमित करना, हमें टीवी खाना खाते समय नहीं खाना है, नहीं देखना है, क्योंकि खाना खाते समय हम देखेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो है आदतें जो होती हैं, हम कुछ भी खाते जा रहे हैं और उस जो आवश्यकता से ज़्यादा भी खा लेते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा मोबाइल चला के आप देखेंगे तो बच्चा अपने भूख से ज़्यादा खा ले, क्योंकि उस समय उसका भूख पर नियंत्रण जो मस्तिष्क का है उस समय नहीं होता है, वो खाता जाता है, ये मोटापे को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, टीवी और मोबाइल। नेक्स्ट है खान पान संबंधी स्वस्थ आदतें, हमें अपने आप को स्वस्थ आदतें विकसित करना है कि हमें घर की चीजों को खाना है, हमें स्नैकर की जगह चना, मूंगफली और इन सब चीजों का सेवन करना है, फ्रूट का सेवन करना है, सब्जियों का सेवन करना है, सलाद का सेवन करना है। इन सब चीजों का सेवन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। नेक्स्ट है स्वल्प आहार यानी स्नैक के रूप में, यदि आपको खाना ही है तो आप चने का सेवन करिए, मूंगफली का सेवन करिए। ठीक है, इससे क्या होगा, ये आपके शरीर को ये जो है ये लाइफ फूड होते हैं जो हमें जीवित रखने का काम करते हैं, पोषक तत्व देने का काम करते हैं, जबकि जो हमारे स्नैकर्स होते हैं यानी कुरकुरे चिप्स, ये हमारे पोषक तत्व, ये हम इसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य को घटाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पानी पीना हमें लगभग 5 से 6 लीटर पानी पीना है, लेकिन खाना खाने से पहले 4 गिलास पानी पहले पी लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके पेट भरा भरा सा लगेगा लेकिन ये पच जाते हैं, ये आपको स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है डाइट जर्नल का मतलब है हमें एक हफ्ते में क्या करना है, कितने घंटे टीवी देखना है, हमें क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, और इसके साथ साथ वीडियो गेम क्या खेलना है, कितने घंटे खेलना है, व्यायाम कैसे करना है, इन सब चीज़ों का हमें एक डाइट बना लेना चाहिए, हमें उनका प्लानिंग कर लेना चाहिए, उनका टाइम टेबल बांध लेना चाहिए, कौन सा चीज़ कितने समय में करना है। तो इन सब चीज़ों को करने से क्या होगा कि हमारे आहार संबंधी आदतों में सुधार होगा और हम एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर होंगे, जो हमारी आदतें खराब हो चुकी हैं फास्ट फूड की वजह से, और ये हमारा क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि किशोरावस्था में आहार संबंधी क्या पैटर्न बदल रहे हैं, कैसे इसमें हमें परिवर्तन लाना है, कैसे इससे हमें बचना है, इन सब चीज़ों पे हम जो है चर्चा कर लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आप कर सकता है कि पहला क्वेश्चन, खान किशोरावस्था में
खान पान संबंधी कौन कौन सी विकृतियां पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में पोषक तत्वों की मांग, कौन कौन से तत्वों की मांग बढ़ जाती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। किशोरावस्था में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और चौथा आपका आ जाएगा आहार संबंधी व्यवहार में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, किस तरीके से हमारे अंदर आदतों में परिवर्तन हो सकता है, तो ये तरीके मैंने आपसे चर्चा की है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। आपको कंपटीशन लेकर के 6 से 12 की सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, बस यहाँ पर आपको जुड़ना है और फ्री अवकाश यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।